नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संगीत शर्मा यूट्यूब चैनल पर। मैं संगीत शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है स्टेटमेंट कि अपने पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो आज का टॉपिक है कि क्या पास्ट भूलना चाहिए या उसे याद रखना चाहिए। देखिए, पास्ट को भूलना एक अधूरी स्टेटमेंट है। हमें क्या भूलना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। आपके साथ कोई इवेंट हुआ था पास्ट में, वो ख़राब था या अच्छा था, वो एक इवेंट था। आपने उस इवेंट में से कुछ सीखा भी है, आपके पास कोई लर्निंग उसकी पड़ी है, और अगर वो ख़राब था तो कोई बैड मेमोरी आपके पास पड़ी है। इन दोनों में से क्या छोड़ना है? बैड मेमोरी, यानी हमें उसकी बुरी याददाश्त पीछे छोड़ देनी है, भूल जाना है। लेकिन वहाँ से क्या सीख मिली थी उसे नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप उसे भी भूल गए तो फिर आप दोबारा वो गलती रिपीट करोगे। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी रास्ते पर जाते हैं और आप कहीं ठोकर लगकर गिर गए और आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकर था या कुछ भी था जिसका आपने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। अगर आप दोबारा उस रास्ते पर जाओ और उसे भूल जाओ, दोबारा गलती करोगे। तो आपको वो इवेंट नहीं भूलना, इवेंट की लर्निंग नहीं भूलनी, उसकी बैड मेमोरी भूलनी है। यानी आपको सिर्फ उस इवेंट का प्रेजेंटेशन चेंज कर देना है अपने दिमाग में कि मेरे साथ अगर वो हुआ था तो मुझे क्या सीखने को मिला। अक्सर हम क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, वो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ इवेंट था। वो जो भी इवेंट हुआ था आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था। आप वहाँ से अपनी एक लर्निंग उठाइए कि मैंने उस इवेंट में क्या सीखा। मुझे किसी ने धोखा दिया तो मैंने क्या सीखा, क्या सावधानी बरतनी है मुझे अगले रिश्ते में, क्या सावधानी बरतनी है अगले बिजनेस पार्टनर के साथ, ताकि ये गलती जो मुझे इस बार मिली वो दोबारा ना मिले। तो लर्निंग हमेशा याद रखिए और बैड मेमोरीज़ को भूल जाइए, क्योंकि अगर हमने पूरा पास्ट भुला दिया तो फिर हम दोबारा वो गलती करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। मैंने किताब में कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने इवेंट से कुछ नहीं सीखते जो कि आपको आपकी लाइफ सिखाना चाह रही थी, तो आपके साथ बार बार वही इवेंट रिपीट होता रहेगा जब तक आप उस इवेंट की लर्निंग को नहीं उठाएंगे। ये हमारी नेचर, ये हमारी लाइफ, हमें ये सारे इवेंट बार बार रिपीट करती रहती है। इसलिए कई लोग आपको मिलेंगे ये बोलते हुए कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आप सोचिए, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो आपने सीखा क्या? एक बार सीख लीजिए, दोबारा दोबारा उस काम को अपने साथ करवाने की या अपने दिमाग में उन्हीं बैड मेमोरीज़ को जगह देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो आज पहले तो देखिए कौन सा ऐसा आपका पास्ट का इवेंट है जो आपको परेशान करता है, उसे लिखिए कागज़ पर कि आपने क्या सीखा। जैसे आप उसको लिखना शुरू करते हैं कि मैंने इस इवेंट से ये पॉइंट्स सीखे हैं, वैसे ही आपका दिमाग उस चैनल को बंद कर देता है जो बैड मेमोरी का था, और वो उस चैनल पर आ जाता है जो लर्निंग लेता है। और यहीं से आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है कि अच्छा, ये इवेंट मुझे सिखा कर गया था। जो जैसा था वो वैसा रहेगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे। उस इंसान को दोबारा मौका मत दीजिए, इतना कर लीजिए कि दोबारा आपके साथ कुछ ऐसा करे, लेकिन लर्निंग ले लीजिए वहाँ से। उसे पूरा भुला दोगे तो दोबारा कोई नया आएगा या वही आएगा, वही फिर वही काम करेगा और हम फिर बोलेंगे कि मेरे साथ फिर वही हुआ। तो लिखिए अपनी लर्निंग और भुला दीजिए, जला दीजिए उस पूरी बैड मेमोरी को जो आपके साथ हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद ये स्टेप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।